आज के दिन वीआर गेमप्ले में कुछ चीजें अलग होने वाली है। पहला तो ये जो हैंडल है, मैं ग्रिप की बात नहीं कर रहा, ग्रिप को इग्नोर करना, ये जो हैंडल है मैंने इसके आगे एक और एक्सटेंडर लगाया है, इससे मेरा जो हैंडल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है साइज में। दूसरी आज हम लोग पहनने वाले हैं ग्लव्स, तो ग्लव्स पहन के हम खेलने वाले हैं। और तीसरा, लोकेशन चेंज हो गया है। हर बार मैं अपने लोकेशन के राइट में खेलता था, आज हम लोग मतलब क्या बताऊँ, सामने, हाँ सामने से लेफ्ट आ गए, तो अब आप अलग लोकेशन पे देखते हुए खेलने वाले। मतलब मैंने गेम में स्टेडियम सेम रखा है, बट रियल लाइफ में स्टेडियम बदल दिया है। और एक और बात, अपडेट आ गया है नया, उस अपडेट का असर क्या होगा देखना होगा, कितना इम्पैक्ट देता है। बाकी चलते हैं न्यूजीलैंड, देखते हैं क्या करता है आज के मैच में। तो कुछ ऐसी है हमारी हाल फिलहाल गेम की स्क्रीन, जहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड ऑलरेडी वेट कर रहा है। एक बार फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, स्टेडियम 6 इनसेन डिफिकल्टी, 0 बैटशील्ड, 10 ओवर नॉर्मल पिच, नाइट का मौसम, लेट्स प्ले। ठीक है, फाइनली हम लोग तैयार हैं न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए। देख सकते हो एक नए यूनिफॉर्म के साथ वो लोग खेल रहे हैं। आप लोग बताना ये कौन से साल का यूनिफॉर्म है, मुझे मतलब याद है 2019 में भी था इनका, उससे पहले भी था। ये बैट आ चुके हैं, हर बैट पे अपना आप चुन सकते हो, लेफ्टी या राइटी। मैं तो लेफ्टी हूँ तो हर बार लेफ्टी चुनूंगा। बाकी गेंदबाज कौन आ रहा है, राइट आर्म मीडियम फास्ट। 120 से 135 इनका हाइएस्ट पेस है। पहली गेंद डॉट स्लिप भी लगाई गई है, कब लगेगा ये शॉट, लेट का डबल कट, कैच करा दिया, खाता खुला नहीं है और कैच, विकेट शून्य पे, चार। और दिक्कत ये कि आपको 89 मिनिमम, 139 मैक्स है। वाह 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 वाह, इतनी घटिया बैटिंग भाई मैंने नहीं देखी। और न्यूजीलैंड को क्रेडिट सारा, चार स्ट्रेट, अभी कोई रिएक्शन नहीं दे सकता मैं, छह स्क्वायर पे फाइनली पुल खेला है, फाइनली एक और सिक्स, बट एक विकेट फिर बिगाड़ देगी सब, हो गई ना गड़बड़, स्लिप में कैच, बस बैट घुमा रहे हो खाली तुम, नजरें प्रॉपर है नहीं, बैट आ नहीं रहा सही ढंग से गेंद पे, तीन विकेट गिर गई हैं, चार स्लॉट में डाली थी, स्टंप से थोड़ा दूर थी इससे रिस्क बनता था, कीपर ने छोड़ा है, ओके। एक्चुअली अपडेट में कीपर ने आया है कि बग कि वो बाय कम देगा, ठीक है, मुश्किल गेंद थी उनके लिए भी, कैच नहीं, कैच नहीं, बच्चे हैं बॉटम से, आउटसाइड एज लगा था, एक रन, लेफ्ट आर्म फास्ट, ओके, चलो 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 स्ट्रेट है, इस गेम में एक्चुअली सबसे सही शॉट स्ट्रेट है, चार रन, एक और चार, एक और यॉर्कर, एक और स्ट्रेट, विकेट खाली, लॉन्ग ऑन खेलते हुए दो रन, जानबूझ के थोड़ा सा लॉन्ग ऑन, चार मिले, अरे एक रन, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हर शॉट लॉन्ग ऑन ही मार रहा हूँ, या मिड विकेट, ओए कीपर फंबल करते हुए देते हुए चार, ये सब लग का है भाई, 139 भी ऐसे ही बने थे थोड़े बहुत, ड्राइव कवर से चार, राइट आर्म ओवर, ओके, स्लिप से चार, ये हुई ना बात, ओ ये तो हर गेंद गुड लेंथ डाल रहा है, सही है, हर गेंद पे इसके एक अलग ही बाउंस है, और ये यॉर्कर डाल दी, सो अब एक्चुअली यॉर्कर भी नहीं थी, फुल गेंद, फुल लेंथ ही थी, सामने ही मारना पड़ेगा इसको, इनसाइड हज गई है, डॉट फाइन लेग पे, 30 यार्ड है, ओ नीचे रह गई, वन ऑफ द बेस्ट ओवर भाई, चार रन आए अभी तक, दो रन, लिख होता तो अच्छा था, बट ठीक है हुआ नहीं, लॉन्ग ऑन गया, अब मजा आएगी, स्पिनर आए हैं न्यूजीलैंड को, मजा आएगी मेरे को नहीं, स्विप शॉट चार, अरे यार डॉट के लिए इतना एफर्ट, ये कौन सी गेंद थी भाई, मैं ग्राउंड शॉट ले रहा हूँ और बोल्ड हुआ हूँ, ये देखिए बॉल ऑफ द डे आज का, इम्पॉसिबल है अब न्यूजीलैंड को यहाँ से रोक पाना, सिंगल सिंगल सिंगल, मुझे किसी तरह से 38 रन्स करने हैं, विकेट फील्डर की तरफ, एक रन है कि दो, एक रन,
बॉटम ये देखिए भाई, बॉटम से चौका गया है, ये रहा। मुझे लगा फिर से आया स्पिनर, बट तेज है। क्या गेंद है, क्या पेस है, आई थिंक 125 तो रहा होगा इजीली। चार मिला है इसलिए कीपर ने फिर फंबल मारा है। नहीं कवर है, अच्छा शॉट, बट दो आ सकता है मैक्स, वही आया है दो। एक विकेट न्यूजीलैंड को चैंपियन बना सकती है, बट नहीं, डॉट सही है। छः मिल रहा है क्या, अरे चार मिला, येलो बैट से 50 पूरा मेरा। इस गेम में 30 को एक माइलस्टोन कहा जाता है, तो 30 पूरा। टू बाउंड्रीज इन अ रो, कवर काफ़ी अच्छा स्पॉट बनता हुआ। फील्डिंग में चेंज, लेकिन आगे लाया है। अब समझ में आया क्यों गेंद उधर ही गया है फील्डर की तरफ। लेफ्ट आर्म फास्ट, एक की डॉट, डॉट यार। 78 हुए हैं, मुझे 11-12 करने हैं। सही है कवर, फिर लकी चार रन, 7 रन या एक विकेट। न्यूजीलैंड को जीतना है तो एक विकेट चाहिए मुझे, 7 एटलीस्ट। न्यूजीलैंड यहाँ पर नंबर एक नहीं बन पाएगा। एक रन, स्ट्रेट स्टंप ने रोका है। पिछली गेंद पे देखा होगा आपने, बेस गिरी नहीं थी, स्टंप गिर गया था मिडल। एक रन, थोड़ा डिफेंसिव भी खेल रहा हूँ बट एक रन पॉइंट खेल रहे थे, गए स्ट्रेट है। क्या कहोगे इस गेंद को यार, इसका रिप्ले मैं देख नहीं सकता, देख सकते हैं ठीक है, दिखाता हूँ भाई। ब्लैक कैप्स तो यार कमाल, ये देखिए पोजीशन देखिए, मैं हूँ सामने गेंद के, बट क्या गजब स्लो था। तो स्कोर आ चुका है इस मैच का, और इसी के साथ न्यूजीलैंड रैंकिंग में नंबर एक, 77 पे 5 रहा है स्कोर। वीकली मेरा हाई स्कोर है ये, बट हमारे टूर्नामेंट में आप रैंकिंग देख सकते हो, न्यूजीलैंड टॉप पे आ गया है और सारी टीमों को पछाड़ दिया है। दिखाता हूँ मैं अगला ओपोनेंट कौन है हमारा। न्यूजीलैंड के लेफ्ट में है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है भाई, जो भी टीम अब आएगी ना उसको फ़ायदा होने वाला है। एक तो कीपर वाला फंबल वाला है वो तो ठीक ही है, वो भी हेल्प करेगा। उसके अलावा कुछ माइनर बग फिक्सेस भी किए हैं, तो गेम को बेहतर ही किया है डेवलपर्स ने। ऊपर से मैं ये ग्लव्स ट्राई कर रहा हूँ और अपना हैंडल मैंने बढ़ा दिया, तो ये तीन चीज़ें भी बदली हुई थी टोटल, तो हो सकता है उसका फ़ायदा है। आपको क्या लग रहा है भाई, कि अगर ये तीन चीज़ें नहीं होती, मैं नॉर्मल खेलता तो क्या न्यूजीलैंड 77 से ज़्यादा रन देता, कमेंट करके बताना। बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने को तैयार है अगले एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड।